सर अभी मीटिंग रखा गया था मंदिर को लेकर कोरोना को, क्या है गाइडलाइन और क्या मीटिंग निर्णय लिया गया? आज पंडा समाज और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त बैठक की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अभी एक तारीख को यहाँ पर 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराना काफ़ी कठिन हो रहा था, इस वजह से आज एक आपात बैठक हम लोगों ने आयोजित करी और उसमें तय किया गया कि कोविड और ओमिक्रॉन की संकट को देखते हुए यहाँ पर अब बिना मास्क के दर्शन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। न ही पुजारी, न ही यात्री, न ही पुलिस प्रशासन, कोई भी बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के गोले जैसे पहले बन रहे थे वो पुनः बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मंदिर में गर्भगृह में चरण स्पर्श पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी तक नियम यह था कि शाम 4 बजे तक दर्शन चरण स्पर्श बंद रहता था, अब हम लोगों ने यह निर्धारित कर दिया है कि चरण स्पर्श पूरी तरह 24 घंटे बंद रहा करेंगे अग्रिम आदेशों तक। इसके अलावा जो भी यात्री बाहर से आने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा करके तभी दर्शन करने आए, जिससे कि न तो वो खुद संक्रमित हों न संक्रमण को फैलाएं। इसके जुर्माना भी रखा गया है कुछ हज़ार रुपये, क्या है जुर्माना? मास्क के लिए भी कहा गया, जो भी हमारे शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार 500, 1000, 100 जो भी उसके नियम है उसी के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय लोगों से कुछ अपील भी की गई? स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि जो हमारे जनपद मिर्ज़ापुर के निवासी हैं वो बाहरी श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए अगर संभव हो तो वो सुबह 7 से 3 बजे के बीच में दर्शन करने से बचें, ताकि बाहरी यात्री आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कर सकें। हमारे जो स्थानीय यात्री हैं वो नज़दीक में है, चूँकि वो सायं 3 बजे के बाद दर्शन अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका भी एक बड़ा योगदान होगा हमारे कोरोना को रोकथाम में। भीड़ नियंत्रण के लिए क्या हो? भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस फोर्स की समीक्षा कर ली हमारे CO साहब ने, इसके बारे में CO साहब बताएंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए जो है हमारे यहाँ विंध्याचल धाम मंदिर पे पूरी एक सुरक्षा के नाम पर काफ़ी जो है फोर्स लगी हुई है, पर्याप्त संख्या में 100 के ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पर संख्या है। तो ड्यूटियाँ जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट लगातार चलती रहती हैं, और जिस दिन हमें लगता है कि ज़्यादा लोग आने की संभावना रहती है उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी समीक्षा करके लगा देते हैं। क्योंकि थाना विंध्याचल बिल्कुल निकट ही है तो वहाँ थाने से भी फोर्स इंस्पेक्टर विंध्याचल के नेतृत्व में लगा दी जाती है। साथ साथ जहाँ पर भी लगता है कि भीड़ का ज़्यादा संख्या होने की संभावना उस दिन हम लोग बैरिकेडिंग कर करके लोगों को क्रम से दर्शन करवाते हैं। तो अब लोग लाइन से ही जाएंगे दर्शन करने? हाँ बिल्कुल, लाइन से जाएंगे और मास्क के साथ जाएंगे और गोले के अनुसार जाएंगे, जिससे कि कोविड के नियम का गाइडलाइंस का पालन भी कराया जा सके। ठीक सर, थैंक यू सर।